कि एक इंक्लाइन प्लेन है, ये एक इंक्लाइन प्लेन है एट एन इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ व्हाट थीटा। यहां पर ना एक ब्लॉक पड़ा हुआ है जिसका मास m है, फ्रिक्शन नहीं है, तो ये बताओ ये ब्लॉक स्लाइड करता हुआ नीचे आएगा या हो सकता है रुक जाए? आएगा ही आएगा नीचे, छोड़ दूंगा तो। कितने लोग एग्री करते हैं कि हो सकता है रुक जाए? वैसे जो लोग सोच रहे हैं कि हो सकता है रुक जाए, तो उनको क्या लग रहा है कि कौन रोक रहा है इसे? फ्रिक्शन तो है ही नहीं यार, मैं कह रहा हूँ फ्रिक्शन लेनी नहीं ना, स्मूथ है, बर्फ एकदम पड़ी हुई है, हार्ड एकदम, पैर रखोगे तो फिसलेगा, या ऑयली ऑयल है इसके ऊपर? अब बोलो नहीं है, छोड़ दूंगा बस ऐसे। मैं कह रहा हूं इतनी फ्रिक्स लगाने की जरूरत क्या है यार, एक बच्चे को झूले पे बिठाया स्लाइड पे, उसको छोड़ दिया, वो नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा? फ्रिक्शन नहीं है पक्का। तुम ना ज्यादा फ्रिक्स सीख है थोड़ी सी, ज्यादा नॉलेज भी प्रॉब्लम है ना यार, कमाल है यार। मैं कह रहा हूं बर्फ गेर दी मैंने यार, तेल गेर दिया इतना ज्यादा, अब पकड़ के यार बताओ इंक्लाइन में क्या पकड़ोगे यार, वो नीचे गिरेगा यार। सिर्फ फ्रिक्शन ही बचा सकती है, अगर फ्रिक्शन नहीं होगी गारंटेड गिरेगा। ये तो मैंने क्वेश्चन पूछना ही था, तो मैंने वैसे ही पूछ लिया, ये पक्का नीचे गिरेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है, स्लाइड करता हुआ नीचे आएगा, क्योंकि बचाने वाला कोई है ही नहीं, मैंने इसको छोड़ दिया, फ्रिक्शन इसमें है नहीं, स्लिप करता हुआ नीचे आएगा। ठीक, मेरा क्वेश्चन अब स्टार्ट है। आपने जब नॉर्मली छोटे बच्चे ऐसे बहुत खेलते हैं कि देख एक रुपए का कॉइन है या ये पेन है, देख जादू करके दिखाऊं, हाँ करके दिखा, ये देख इस तरीके से ये गिरानी है, तो वो एक रुपए का कॉइन जो है या कॉपी है उसको इस तरीके से बड़ी तेजी से वो ऐसे तेज मूव करवाते हैं, वो सूट मैं कर नहीं रहा, मेरे से नहीं होगा वो, या तो एक रुपए का कॉइन हो या कॉपी हो, कॉपी के साथ ज्यादा होता है, तो फटाफट ऐसे मूव करवाते हैं, वो चिपक सा जाता है कुछ इंस्टेंट के लिए और वो नीचे नहीं गिरता ऐसे ही, या काइट है, पतंग है, या कोई भी चीज है, वो यहाँ पे डाल के कॉपी और भागना शुरू कर देते हैं तो वो पीछे की तरफ चिपक जाती है यहाँ पे और नीचे नहीं गिरती, लेकिन रुकते हो तो फिर नीचे गिर जाती है, ऐसा ही होता है। या अगर आपने बहुत ध्यान से ऑब्जर्व किया हो कि जैसे सपोज ये मान लो कार की कोई विंडशील्ड है, आगे का शीशा है कार का, और पानी रेन बारिश होके चुकी है, पानी के ड्रॉपलेट्स हैं उसके ऊपर, कार रुकी हुई है, ड्रॉपलेट्स आपको नीचे गिरते हुए स्लाइड करते हुए नजर आ रहे हैं, आपने कार को एक्सेलरेट किया तो हो सकता है ड्रॉपलेट्स आपको ऊपर की तरफ आते नजर आए या रुक जाए, तो फिर ऐसा क्यों? कोई कहता है हवा ने उसको ऊपर करवा दिया, नहीं, अगर चलो हवा भी नहीं चलती, हवा बंद कर दो, खाली वैक्यूम में चलाते हैं, चलो अब बोलो अब नीचे गिरेगा? नहीं, जरूरी नहीं है, वो ऊपर आ सकता है अभी भी। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, ये सब के आंसर कैसे मिलेंगे, देखो ये एक इंक्लाइन प्लेन है या कार है या कुछ भी मान लो, क्वेश्चन ये है कि मैं इसको ना अब पुश करूंगा और एक्सेलरेशन दूंगा ए, तो बताओ मैं कितनी एक्सेलरेशन से मूव करूं कि ये ब्लॉक नीचे स्लाइड ना कर पाए, लेकिन जबकि ये नीचे स्लाइड करेगा ही करेगा, मैंने आपको बताया, बट हो सकता है कि ये अब नीचे स्लाइड ना करे क्योंकि मैंने इंक्लाइन प्लेन को एक्सेलरेट करवाया। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि जब इंक्लाइन प्लेन को एक्सेलरेट करवाया तो क्या ब्लॉक सूडो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा या नहीं? सूडो फोर्स कब लगती है? चलो एक कार है, कार एक्सेलरेट कर रही है, कार के अंदर जितने भी सामान पड़ा हुआ है क्या उसके ऊपर सूडो फोर्स लगती है? हाँ लगती है। क्या चाय का कप गिरता है, कॉफी भी गिरती है, लगती है, कब? जब कार क्या करती है, एक्सेलरेट। तो जब भी कोई कार, ट्रेन या कोई भी बॉडी एक्सेलरेट करती है, उसके ऊपर या उसके अंदर जो भी सामान पड़ा हुआ है सबके ऊपर सूडो फोर्स एक्सपीरियंस होती है। मैं कहता हूं कार की छत पे आप जाके बैठ जाओ और मान लो फ्रिक्शन नहीं है, उस पे ऑयल गिर देते हैं, और आप कार को एक्सेलरेट करवाओ, देखो आपके ऊपर सूडो फोर्स लगेगी, कार आगे एक्सेलरेट करेगी, आप पीछे सूडो फोर्स एक्सपीरियंस करोगे और अल्टीमेटली आप नीचे गिर जाओगे। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो इमेजिन कर लो, ये भी तो कार है, इंक्लाइन प्लेन क्या कहते हैं, कार है या इंक्लाइन प्लेन है या एक्सेलरेट कर रहा है, इसके ऊपर पड़ा हुआ जो भी सामान होगा उस सबके ऊपर क्या लगेगी, सूडो फोर्स। क्लियर है यहां तक? तो इस एम के ऊपर क्या लगेगी, सूडो, डायरेक्शन बोलो सूडो फोर्स की, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे कहां? कितने लोग बोलते हैं राइट, एकदम राइट, कितने लोग बोलते हैं नहीं राइट नहीं शायद नीचे। अच्छा, सूडो फोर्स का रूल क्या है, डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ द कार या जो भी बॉडी है, इंक्लाइन प्लेन कहां जा रहा है, टुवर्ड्स लेफ्ट,
तो सूडो फोर्स कहाँ लगेगी? टूवर्ड्स राइट. तो ये वेक्टर सूडो फोर्स का ये बन गया, मास बॉडी का, एक्सेलेरेशन वेज की. कोई डाउट इसमें? तो एक और फोर्स जो हिडन फोर्स है, जो दिख नहीं रही, नॉन रियल फोर्स है, जो किसी ने लगाई नहीं पर फिर भी लगती है, इसको क्या बोलते हैं? सूडो फोर्स. तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं? तो अब मुझे पता है कि जो mg, ये m है, इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है mg, और इस तरीके से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? थीटा. तो एक कंपोनेंट mg cos थीटा, और कौन इसको नीचे स्लाइड करवाएगा? mg sin थीटा. mg sin थीटा फोर्स इसको नीचे लेके आएगी. ये स्टेप सब क्लियर है? ये तो पुराना केस है, पर इस बार यहां पर ma भी आ गया वेक्टर. इस ma वेक्टर के दो कंपोनेंट्स ले लेते हैं. अगर ये थीटा, एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं तो ये भी थीटा, बिकॉज दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग है. तो थीटा थीटा क्लियर है. तो इस एम ए के दो कंपोनेंट होंगे, एम ए कॉस थीटा और इस तरफ एम ए साइन थीटा. क्लियर यहां तक? तो एम ए के भी दो कॉम्पोनेंट हो गए, एक एम ए कॉस थीटा, एक एम ए साइन थीटा. ये इसका नॉर्मल रिएक्शन है एन. अगर आप चाहते हो कि ये बॉडी नीचे ना जाए तो mg sin थीटा और ma cos थीटा. ma cos थीटा चाहता है ये बॉडी ऊपर जाए, mg sin थीटा चाहता है ये बॉडी नीचे आए. और आप चाहते हो ये बॉडी ना ऊपर जाए ना नीचे जाए, तो इसका मतलब नीचे और ऊपर की फोर्स मस्ट बी सेम. तो ठीक है, mg sin थीटा नीचे की फोर्स, ma cos थीटा ऊपर की फोर्स, इक्वेट करके a आ गया आंसर g tan थीटा. इसका मतलब पॉसिबल है. और वो जो ड्रॉपलेट्स हैं पानी के, जब कार आगे एक्सेलरेट करती है, ड्रॉपलेट्स ऊपर क्यों चढ़ जाते हैं? क्योंकि आप कार को ज्यादा ही तेज चला रहे हो, एम ए, आप ए बहुत ज्यादा रख रहे हो कार का, तो एम ए कॉस थीटा की वैल्यू इज ग्रेटर देन एम जी साइन थीटा. तो जब ये बड़ी हो जाएगी तो ये ब्लॉक ऊपर उठना स्टार्ट हो जाएगा, जब ये बड़ी हो जाएगी और ये छोटी हो जाएगी, ब्लॉक नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा. जब ये बराबर हो जाएंगे तो ब्लॉक वहीं का वहीं रुक जाएगा. कोई डाउट इसमें? तो इसमें सूडो फोर्स का कॉम्पोनेंट क्या करता है? एम जी साइन थीटा को बैलेंस कर जाएगा, ये ब्लॉक नीचे नहीं आएगा. क्लियर यहां तक? सबसे बड़ी प्रॉब्लम प्लस वन वालों की क्या रहती है? शुरू शुरू में उनको ये नहीं पता लगता कि सूडो फोर्स कब लगानी है. हमें आदत नहीं है, हमें रियल फोर्सेस की आदत है कि कोई टीचर दे, ये देख यहां टेंशन टी, यहां इसका वेट एम जी, तो रियल फोर्स दिखती है, ये फोर्सेस लगी हुई है. ये बीच में से अपने आप ही निकल के आ जाती है सूडो फोर्स, जो दिखती नहीं है. शुरू शुरू में प्रॉब्लम है, लेकिन दो चार लेक्चर के बाद आप अपने आप कंफर्टेबल हो जाओगे, यूज टू भी हो जाओगे जब मैं आपको कर करके दिखाऊंगा. ये पॉइंट क्लियर है? तो एटलीस्ट इस प्रॉब्लम में तो कोई दिक्कत नहीं है, और ये लॉजिक समझ में आ रहा है कि ये ब्लॉक नीचे क्यों नहीं आएगा, बिकॉज सूडो फोर्स का कंपोनेंट इसके वेट के कंपोनेंट को बैलेंस करेगा. ऐसी प्रॉब्लम में कभी कभी पूछ लेते हैं फाइंड नॉर्मल रिएक्शन. तो ऐसी प्रॉब्लम में जो नॉर्मल रिएक्शन होगा एन, वो किसके इक्वल होगा? इसके ऑपोजिट फोर्सेस बोलो, एम ए साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा. तो नॉर्मल रिएक्शन सिर्फ एम जी कॉस थीटा नहीं होगा, इस केस में एम ए साइन थीटा कॉम्पोनेंट भी एड हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन भी बढ़ जाएगा. इमेजिन करो अगर ए जीरो, मैं इसको रोक लेता हूं, एम ए क्या हो जाएगा? जीरो. ऑब्वियसली अगर ए जीरो होगा तो एम ए जीरो होगा, एम ए जीरो होगा तो कंपोनेंट जीरो होगा, तो पक्की बात है ये नीचे आएगा ही आएगा. या इमेजिन करो इस इंक्लाइन प्लेन को कांस्टेंट वेलोसिटी से, मैं कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवा रहा हूं, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब भी क्या होता है? एक्सेलरेशन जीरो. तो सूडो फोर्स ऑटोमेटिकली क्या कर रहा हूं? जीरो. अल्टीमेटली फिर से नीचे आ जाएगा. पॉइंट समझ में आ रहा है? लॉजिक क्लियर है यहां तक? तो इस टाइप की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है? क्लियर है? ठीक है यहां तक? ठीक. नेक्स्ट एक क्वेश्चन करके दिखाना प्लीज सर. सपोज आपके पास एक कार है, ये कार है, ये कार आगे एक्सेलरेट कर रही है विद ए. एक पेंडुलम है, स्ट्रिंग का कोई मास नहीं है, इस बॉब का मास है एम. एक पेंडुलम को हमने लटकाया हुआ था, इसमें कार एक्सेलरेट कर रही है, तो मुझे बताओ ये कहां मिलेगा आपको थोड़ी देर में? राइट की लेफ्ट? लेफ्ट. क्यों? इसके ऊपर क्या लगेगी? हाँ, अब दिखना स्टार्ट हो रहा है, कुछ कुछ सूडो फोर्स लगेगी पीछे. तो इमेजिन करो कि सूडो फोर्स लगी, बिल्कुल लगी, और ये मास यहां पर आ गया, मेकिंग एन एंगल ऑफ कितना? थीटा. तो सूडो फोर्स की डायरेक्शन कहां है? लेफ्ट. ठीक. तो ये यहां पे आके रुक गया, मतलब आपने गाड़ी को ऐसे एक्सेलरेट करवाया कि ये यहां पे आके रुक गया. रुकने का मतलब ये बॉब किसमें है? इन इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम राइट. यहां पर क्लियर है? तो आपको ये बताना है कि इस केस में अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो टैन थीटा की वैल्यू कितनी है?
tan theta की value इसमें कितनी है, ये question है, right? तो ये question है, इस question को अभी करेंगे, मतलब ये question पूछ, इस question को करने के लिए आपको एक और hint चाहिए, वो hint के लिए आप 2 मिनट के लिए इस sheet के इस अगली से अगली sheet पे आ जाओ, जरा इस question को देख लो, उसके बाद मुझे answer देना, ठीक? देखो क्वेश्चन ये है कि एक ना स्ट्रिंग है, मिलता जुलता क्वेश्चन है, वो आपको करना है थोड़ी देर में अभी। एक स्ट्रिंग है और ये स्ट्रिंग नीचे, मतलब ये बॉब नीचे पेंडुलम की तरह था, कोई कारकूर नहीं है, मैं गया, मैंने इसको खींच दिया, लेकिन मैंने जो फोर्स लगाई खींचने के लिए 100 न्यूटन लगाई टूवर्ड्स राइट, तो ऑब्वियसली इसने एंगल बना लिया और ये स्ट्रिंग एकदम टाइट है और ये यहां के रुकी हुई है इक्विलिब्रियम में, सिस्टम किसमें, इन इक्विलिब्रियम में रुका हुआ है और स्ट्रिंग टाइट है। तो आपको इसमें यह बताना है कि अगर इसका मास आपको गिवन है 15 kg और 100 न्यूटन की फोर्स लगाई मैंने, तो बताओ इसमें टेंशन कितनी होगी। अब स्ट्रिंग क्योंकि टाइट हो चुकी है, स्ट्रिंग में क्या जाएगी, टेंशन टी, टेंशन होती पेयर में, ये मैंने आपको बता दिया था, तो टी एंड टी क्लियर है यहां तक। ये पहला क्वेश्चन है जिसमें स्ट्रिंग टेढ़ी है, नहीं तो नॉर्मली स्ट्रिंग्स कैसी देखी जाती हैं, इस तरीके से, जब हम टेंशन टी एंड टी ऐसे बनाते या कनेक्टेड मोशन में हॉरिजॉन्टल। टेढ़ी स्ट्रिंग का पहला क्वेश्चन है जब स्ट्रिंग एक्स वाई प्लेन में है, टेढ़ी है इस तरीके से, मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा, याद रखना ये कॉन्सेप्ट और प्लस टू तक चलेगा, जब स्ट्रिंग्स टेढ़ी हैं आपको ये एंगल हमेशा गिवन होगा कि वर्टिकल के साथ में कितना एंगल बनाया। तो आपने काम करना है, स्ट्रिंग की टेंशन एक फोर्स है, आपने वाई एक्सिस यहां पर एक डॉट 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 लाइन खींचनी है, तो अगर ये थीटा तो ये भी थीटा ऑल्टरनेट एंगल, टेंशन एक फोर्स है, एक वेक्टर है, इसके दो कंपोनेंट्स बना लेने हैं, पहला टी कॉस थीटा, दूसरा टी साइन थीटा, बन गया, क्योंकि हम टेढ़ा काम नहीं करते वेक्टर में, हम या तो वाई में करते हैं या एक्स में करते हैं, तो इसमें ये टेंशन टेढ़ा टेढ़ा वेक्टर चल रहा था एक्स वाई प्लेन में, टी कॉस थीटा टी साइन थीटा 100 न्यूटन, इसका वेट कितना है 15 g। तो अब अगर ये इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स इज जीरो, यानी कि ऊपर की फोर्स मस्ट बी इक्वल टू नीचे की फोर्स, लेफ्ट की फोर्स इज इक्वल टू राइट की फोर्स, तो ऊपर की फोर्स कितनी है टी कॉस थीटा, जो कि किसके इक्वल होगी 15 g, और 100 किसके इक्वल होगा टी साइन थीटा। इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लो दिस बाय दिस, तो टैन थीटा इज इक्वल टू 100/mg, मास गिवन है जी 10 पुट करो टैन थीटा आ गया। आपको क्या निकालनी है टेंशन, अगर मैं आपको साइन थीटा की वैल्यू दे दूं टेंशन आ जाएगी। साइन थीटा कैन बी कैलकुलेटेड क्योंकि आपने टैन थीटा निकाल दिया, इसमें कितना आया टैन थीटा 2/3, एक रफ में राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ टैन थीटा 2/3 पाइथागोरस लगाओ, तो यहां से साइन थीटा आएगा 2/√13, इस 2/√13 को यहां पुट कर देते हैं, टी इंटू 2/√13 इज 100, टी की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। तो जब स्ट्रिंग टेढ़ी होगी तो उसको टेंशन के दो कंपोनेंट्स कैसे बनाने हैं, ये पॉइंट क्लियर है, कोई डाउट इसमें, क्योंकि ये चीजें आप नहीं कर पाओगे, अगर मैं आपको शीट दे भी देता हूं आपसे होगा नहीं, क्योंकि आपको ये पता ही नहीं कि टेंशन के इस तरीके से कंपोनेंट्स बनाने हैं। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करो, इसमें भी स्ट्रिंग क्या हो चुकी है टेढ़ी, अब दोनों कॉन्सेप्ट लगाओ सूडो फोर्स का भी, स्ट्रिंग टेढ़ी वाला ये वाला कॉन्सेप्ट भी लगाओ और टैन थीटा बोलो क्या होगा। बनाओ टेंशन बनाओ इसमें जैसे बनाई है, टैन थीटा ए बाय एम नहीं आएगा, टैन थीटा ए बाय जी आएगा बस।
देखो कितनों का आंसर टैन थीटा ए बाई जी आ गया। देखो स्ट्रिंग टेढ़ी, मैंने आपको क्या बताया था, जब स्ट्रिंग टेढ़ी है टाइट है तो यहाँ टी एन टी, कोई डाउट इसमें सबने बनाया? अच्छा, फिर मैंने बताया था जब स्ट्रिंग टेढ़ी है तो एक वर्टिकल लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लो, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, ये ड्रॉ की टी एन टी। फिर मैंने कहा था ये थीटा, तो ये ऑल्टरनेट एंगल से क्या बन जाएगा, थीटा। ये भी स्टेप क्लियर है। टेंशन टेढ़ी है, इसके दो कॉम्पोनेंट बनाओ टी कॉस थीटा, इस तरफ टी साइन थीटा, और वेट इसका कितना है एम जी। और इस तरफ ये आया कैसे, क्योंकि इसके ऊपर क्या लगी, सूडो फोर्स, क्योंकि अगर कार आगे एक्सलरेट कर रही है तो सूडो फोर्स कहां लगेगी, पीछे लगेगी, जिसकी वैल्यू कितनी है एम ए। कोई डाउट इसमें, क्लियर है यहां तक? तो अब देखो, क्योंकि टेंशन के आपने दो कॉम्पोनेंट्स लिए हुए हैं तो मैं कैलकुलेशन इससे नहीं करूंगा, टी कॉस एंड टी साइन से करूंगा, क्योंकि ये बॉब इक्विलिब्रियम में है तो ऊपर की फोर्स मस्ट बी इक्वल टू नीचे की फोर्स, तो यानी कि टी कॉस थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट एम जी, एंड राइट की फोर्स इज इक्वल टू लेफ्ट की फोर्स, इसका मतलब टी साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट एम ए। इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर टू डिवाइड कर लेंगे, एम से एम टी से टी कैंसल, टैन थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट ए डिवाइडेड बाय जी। को डाउट इसमें, पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि कैसे करना है, और सूडो फोर्स का थोड़ा थोड़ा आइडिया समझ में आ रहा है, और अगर स्ट्रिंग टेढ़ी है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, टी टी कॉस थीटा टी साइन थीटा, वो करना ही करना है, उसी से बात बनेगी। क्लियर है यहां तक? ठीक, वापस आ जाते हैं यहां पे, नेक्स्ट पुराने एग्जांपल पे ऊपर। ठीक, देखो इसमें एक स्ट्रिंग है और नीचे एक मास है, एक स्ट्रिंग है और मास कितना है 10 kg, स्ट्रिंग का कोई स्ट्रिंग का कोई मास नहीं है, तो टेंशन विल रिमेन सेम, तो कितना आएगा 10 g। कोई डाउट इसमें, टेंशन 10 g, अभी आज किया था हमने क्वेश्चन 10 g। ठीक है, क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन तो कुछ और पूछना है, ये मैं सोच रहा नया क्वेश्चन हो गया, ये तो मैं याद दिला रहा हूँ कि हमने ऐसा किया। क्वेश्चन तो ये है कि आपको ना कुछ ये कोई वेइंग मशीन टाइप, ये वेइंग स्प्रिंग बैलेंस टाइप कुछ दिया हुआ है जो ना वेट बताएगा, कितना भार नीचे लगा हुआ, वेट एम जी। अब कैसे बताता है, इस मशीन का ये प्रिंसिपल होता है, इसमें स्ट्रिंग जारी होती है, ये मशीन ना स्ट्रिंग की टेंशन मेजर कर लेती है, हर मशीन स्ट्रिंग की टेंशन मेजर करेगी और वो रीडिंग दे देगी इसमें कितनी टेंशन है। नीचे एक्चुअल वेट कितना लगाया 10 kg, तो 10 g फोर्स नीचे एक्ट कर रही है। ये जो मशीन्स हैं इनका कोई मास नहीं है, स्ट्रिंग की कोई टेंशन नहीं है, क्वेश्चन आएगा बताओ ये क्या रीडिंग शो करेंगे, या जब स्ट्रिंग का मास ही नहीं है तो टेंशन पूरी स्ट्रिंग में विल रिमेन सेम, तो कितनी 10 g 10 g और 10 g। तो अगर मास नहीं लेना किसी मशीन का और वो टेंशन मेजर कर रही है स्ट्रिंग की, और स्ट्रिंग का भी मास नहीं है, तो फिर टेंशन की वैल्यू हर पॉइंट पर 10 g 10 g 10 g। अगर इसका मास होता फिर क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर जो रीडिंग आती वो इसका वेट प्लस इसका वेट प्लस इसका वेट, इसके ऊपर रीडिंग क्या आती, इसका वेट प्लस इसका वेट, ऐसा हो जाता। बट पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट इसमें? तो जस्ट आपको क्या निकालनी होती है, इसमें टेंशन निकालनी होती है। उसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में एक यही टेंशन मेजर करने की मशीन को इसमें रखा है हमने, और दो पुलिस लगा के दो मास लगा दिए 20 kg और 10 kg। कई लोग इसका आंसर देते हैं, ज्यादातर लोग आंसर देते हैं, अगर मैं ये ना दिखाऊं, इसका वेट 20 g, इसका वेट 10 g, तो बोलते हैं 20 g माइनस 10 g इज 10 g, आंसर आएगा 10 g। ऐसा बहुत बार देखने को मिला कि वो वेट में से वेट को माइनस करके नेट वेट निकाल देते हैं, ऐसा नहीं है, आपको सिंपली टेंशन निकालनी है, और टेंशन ओरली कहाँ निकलती है, इसके लिए क्या बनाना पड़ता है, फ्री बॉडी डायग्राम। तो ऑब्वियसली जब आप सिस्टम को छोड़ोगे ये स्ट्रिंग नीचे आएगी, तो ऑब्वियसली इसमें क्या होगी, एक्सेलरेशन, तो ये ब्लॉक नीचे आ रहा होगा, ये ब्लॉक ऊपर जा रहा होगा, तो इसमें टेंशन टी एन टी, टेंशन टी एन टी, क्योंकि स्ट्रिंग का मास नहीं लेना तो इसे टेंशन की वैल्यू विल रिमेन सेम। तो इसका, क्योंकि ये ब्लॉक नीचे आ रहा है, नीचे की फोर्स बड़ी ऊपर की फोर्स छोटी, तो 20 g माइनस टी इज इक्वल टू 20 into a। ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो टी माइनस 10 g इज इक्वल टू 10 into a। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके टी एन टी कैंसिल करके ए कैन बी कैलकुलेटेड, ए आ गया तो टी कैन बी कैलकुलेटेड, तो टी की वैल्यू 400/3 newton आएगी इसमें। तो ऐसे ओरली मत करना, बस आप ये मानना, मशीन को मत देखना, बस आप ये मानना टेंशन कैसे निकलेगी, बस
बस जो तरीका टेंशन निकालने का वही परफेक्ट तरीका है। कोई डाउट इसमें? ठीक। नेक्स्ट कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ऐसे आएंगे करेक्टेड मोशन के बाद, जैसे आपको एक बैलून गिवन होगा, इस बैलून के अंदर गैस है, गैस नीचे निकल रही है और बैलून ऊपर जा रहा है, गैस नीचे बैलून ऊपर जाएगा, गैस की नीचे निकलने की स्पीड कांस्टेंट गिवन होगी आपको, कांस्टेंट ही आती है मान लो 5 मीटर पर सेकेंड, और गैस का मास भी निकलता जा रहा है उसमें से, और जिस वजह से बैलून ऊपर जा रहा है, तो गैस का मास गिवन है पर यूनिट टाइम कितना निकल रहा है, 10 kg per second, यानी कि 1 सेकंड में 10 किलो गैस निकलती जा रही है। आपको बताना है कि इस बैलून पे फोर्स क्या लगेगी जिससे बैलून ऊपर जाएगा, और ये तो लगेगी, ये तो सबको मालूम है, बैलून की हवा निकलती है तो बैलून आगे जाता है, आप गोली चलाते हो गन पीछे आती है, तो एक्शन रिएक्शन की वजह से इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स होती है। तो अगर आप जो गैस है उसकी फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर दो, वही फोर्स किसको मिलने वाली है, बैलून को। तो हमें पता है कि न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, फोर्स इज डीवी बाई डीटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मैंने आपको ये सिखाया था मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी करके। आप ऐसा कर सकते हो कि आप वेलोसिटी को बाहर निकाल लो और क्या बचेगा, सॉरी आप मास को बाहर निकाल लो, क्या बचेगा, क्योंकि मास कांस्टेंट होता है, तो क्या बचेगा, डीवी बाई डीटी, और डीवी बाई डीटी क्या होता है, ए, तो आंसर आएगा एम इनटू ए। लेकिन वो कॉन्सेप्ट तब चलता है जब ना कोई सॉलिड बॉडी हो, कोई ब्लॉक हो, मास कांस्टेंट है, यहां गैस है, गैस का मास कम होता जा रहा है जैसे जैसे गैस निकलती जा रही है, लेकिन गैस की वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो गैस और वाटर वाले क्वेश्चन, जब पानी में से, जो पाइप में से पानी बाहर निकल रहा है, बैलून में से हवा बाहर निकल रही है, उसमें वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होती है, मास चेंज होता है, तो वी बाहर आ गया, क्या बचा, डीएम बाई डीटी। आपको वेलोसिटी पता है इसमें कितनी है, 5 गैस की, और गैस का मास पर यूनिट टाइम गिवन है कितना, 10 kg per second, मास केजी टाइम सेकेंड, मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 N आंसर आएगा, बैलून पर 50 N की फोर्स लगेगी। तो यही स्टाइल है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि जब गैस बाहर निकलेगी और बैलून पे फोर्स निकालनी होगी, अब वेलोसिटी कांस्टेंट रख के डीएम बाई डीटी की वैल्यू को पुट करेंगे। कोई डाउट इसमें? पॉइंट क्लियर है? नहीं तो नॉर्मली ऐसा करते ही नहीं है, नॉर्मली मास को ही कांस्टेंट निकालते हैं, ये तब है जब लिक्विड और गैस के क्वेश्चन है, तो मैंने लिखा भी होगा इसमें गैस या लिक्विड के क्वेश्चन के अंदर ये कॉन्सेप्ट लगता है, देखो। ठीक, तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, उसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, सपोज करो एक पाइप है, पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है, पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना गिवन है, ए, पाइप में से पानी बाहर निकल रहा है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ वी, तो वी इज कांस्टेंट, दीवार को हिट कर रहा है, दीवार को कितनी वेलोसिटी से हिट कर रहा है ये बताओ, ये क्वेश्चन है। अब सेम प्रॉब्लम है कि इसके अंदर भी वेलोसिटी कांस्टेंट है लेकिन मास पानी का बाहर निकल रहा है पर यूनिट टाइम। हमने ऐसे क्वेश्चन पाइप वाले क्वेश्चन 9th-10th में भी सुने होंगे, वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर गिवन होता है, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड गिवन होता है पाइप का, मास फ्लोइंग पर सेकंड गिवन होता है। तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, कितने एरिया में से पानी निकल रहा है वो ए है, और वी वेलोसिटी से निकल रहा है, और पानी की डेंसिटी गिवन है रो, तो आपको रो, वी और ए की फॉर्म में ही फोर्स की वैल्यू निकालनी है। स्टार्ट क्वेश्चन ऐसे ही करना है, फोर्स इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ पी, पी की जगह एम इन टू वी। इस क्वेश्चन के अंदर भी पानी की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो डीएम बाई डी टी, मास को क्या लिख सकते हैं, ये क्या चीज है, मास फ्लोइंग पर सेकंड, और मास को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। यहां तक क्लियर है? अब एक ना शॉर्टकट याद रखना, भूलना नहीं, आने वाले चैप्टर लिक्विड्स के अंदर स्टडी करवाया जाएगा, कभी भी पाइप में से पानी जब बाहर निकले उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन हो और उसमें से लिक्विड की वेलोसिटी गिवन हो, तो एरिया और वेलोसिटी को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वेलोसिटी को मल्टीप्लाई किया जाए, तो हमेशा आपके पास क्या मिलेगा, वॉल्यूम कमिंग आउट पर सेकेंड ऑफ वाटर। वो कैसे, क्योंकि एरिया का मतलब क्या है, मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी का मतलब क्या है, मीटर पर सेकेंड, मल्टीप्लाई करके यूनिट चेक करना, मीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी कि वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड। तो भूलना नहीं है, पाइप का अगर क्रॉस सेक्शन एरिया के बनो और वेलोसिटी के बनो, तो बोलो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड क्या होगा, एरिया इंटू वेलोसिटी। भूलना नहीं, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड इज एरिया इंटू वेलोसिटी, सीधा शॉर्टकट लगाएंगे, और हम यहां पर फंस चुके हैं वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड, तो इसकी जगह क्या रिप्लेस करेंगे, एरिया इनटू वेलोसिटी, मल्टीप्लाई करोगे तो फोर्स आएगी। तो ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होना था, अगर ना करवाया हो
ऑब्जेक्टिव आएगा ये, तो एनसीईआरटी की शीट में भी है ये, तो आपको ये अब एटलीस्ट आपको आइडिया, आप एक रेफरेंस मान सकते हो इन क्वेश्चंस को, और एज सच किसी किताब के अंदर ये क्वेश्चन ऐसे कभी नहीं मिलेंगे आपको। आपको बता दूं मैं, शीट्स के क्वेश्चन कोई ऐसी किताब नहीं है, आप कहोगे किताब ही पढ़, ऐसा नहीं होगा। ये क्वेश्चन अलग अलग ऑब्जेक्टिव में से बना रखे हैं, और ये ऐसे बना रखे हैं कि आपके आने वाली जो शीट्स हैं वो अटकेंगी नहीं, आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर होने स्टार्ट हो जाएंगे जब आप शीट्स को रिवाइज करके क्वेश्चन करेंगे। और इवन कॉम्पिटिशन से पहले भी आप शीट्स को रिवाइज करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि मुझे पता नहीं आप इतने नोट्स नहीं बना पाएंगे जितने मैं आपको दे देता हूँ, लिखने में बहुत टाइम लगता है, बट आप कलेक्शन भी कर लोगे और उसको रिवाइज और रिटेन कर लोगे तो बहुत फ़ायदा होगा इससे। क्या पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक, एक एनसीईआरटी की शीट दी थी मैंने आपको लास्ट टाइम, सब्जेक्टिव शीट नंबर चेक करना, कौन सी 15 15 चेक कर लो। हाँ, सब्जेक्टिव शीट नंबर 15 आपको क्या करना है नेक्स्ट टाइम, ये शीट तो आप रिवाइज करके ही आओगे, इसका तो टेस्ट ही है, बात ही खत्म हो जाती है। इसमें तो मैं आपको चार क्वेश्चन दूंगा ही दूंगा, इसके अलावा सब्जेक्टिव शीट नंबर 15 जिनके पास नहीं है रिकॉर्डिंग में वो प्रिंट आउट ले लें, ये आपको प्रैक्टिस करनी है और ये एज अ होमवर्क आपको करके आना है। बहुत है, इसमें आधे क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, लास्ट वाले तो हो ही गए हैं, शुरू के 5-7 बहुत छोटे हैं, और एनसीईआरटी की शीट है ये, तो ये शीट एनसीईआरटी की आपको करके आनी है। क्लियर है, इसके डाउट्स वगैरह लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, पर ट्राई हर कोई करके आएगा। नेक्स्ट, आपको जो इस फोर्स तो चल ही रहे, प्रोजेक्टाइल का टेस्ट हुआ था संडे को भी, प्रोजेक्टाइल का टेस्ट है, अभी शीट्स टेस्ट डिस्ट्रीब्यूट भी कर दूंगा अभी जो आपके टेस्ट हुए थे, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, मैं अभी भी कह रहा हूँ बहुत बेसिक करवाई हुई चीज़ पूछ रहा हूँ, अगर वो भी नहीं आ रही अब इससे नीचे तो बस कुछ भी नहीं हो सकता, इससे ऊपर ही आएगा जो आएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कोई भी प्लीज़ बिना पढ़े ना आए, ऐसे बात नहीं बनेगी। और दूसरा, जो मैंने रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप पे अपलोड की थी रिवर क्रॉसिंग वाली जो प्रॉब्लम थी, कितने लोगों ने सुन ली रिवर क्रॉसिंग? देखो 50% क्या मतलब मुश्किल, रिवर क्रॉसिंग संडे को मैंने सेंड की थी, नहीं सुने। रिवर क्रॉसिंग की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, मेरे को बाद में नहीं कहना, मतलब मैंडेटरी नहीं है कि आएंगी, बट ये रेन एंड मैन की तरह ही है बिल्कुल सेम। तो इस 2 दिन के बाद मैं एक और टेस्ट लूंगा रिवर क्रॉसिंग का, उसमें से जो करवाया उसमें से क्वेश्चन पूछूंगा, तो जो सुन लेगा वो पास होगा, जो फेल हो जाएगा तो पता लग ही जाएगा उसने नहीं किया कुछ भी। प्रोजेक्टाइल और इंक्लाइन प्लेन की भी रिकॉर्डिंग मैंने सेंड की थी, प्रोजेक्टाइल इंक्लाइन प्लेन ऑप्शनल था, मैंने बिल्कुल नहीं कहा मैंडेटरी है, कोई नहीं सुनना चाहता मर्जी है। कितने लोगों ने सुन ली वैसे, तो फायदा ही हुआ होगा उसमें कुछ ना कुछ, वो एक्सेस चेंज करके थोड़ा मुश्किल सा था बट समझ में आ जाता है इन दी एंड, पर वो ऑप्शनल है, वो नहीं करेगा चलेगा, बट रिवर क्रॉसिंग मैंडेटरी है, उसको करना ही पड़ेगा। आपके स्कूल के अंदर भी रिवर क्रॉसिंग की प्रॉब्लम आ सकती है, मेरे को बाद में नहीं कहना कि मैंने करवाई नहीं, तो वो लेक्चर आपको वहीं से करना है। ठीक,